गुड आफ्टरनून. सो दिस इज द लेक्चर नंबर 68 और यहाँ पर है द प्रॉपर वे टू, है ना. ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और सबसे अच्छी बात है ना, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में यूज तो किया ही जाता है, साथ में आप अपनी हिंदी लैंग्वेज में भी इसको यूज कर सकते हो, लोग करते भी हैं. देखो इसका बढ़िया प्रॉपर वे ये है, आदमी कहता ना प्रॉपर वे ये है कि आप इस रास्ते से चले जाओ जल्दी आ जाए. प्रॉपर तरीका, प्रॉपर मेथड, इस तरह से यूज किया जाता है. तो द प्रॉपर वे इट मीन्स होता है सही तरीका है. द प्रॉपर वे मीन्स क्या होता है, सही तरीका है. क्लियर है. अब देखो क्या सही तरीका है, तो कोई ना कोई एक्शन का ही सही तरीका है, कोई काम करने का सही तरीका होगा. क्लियर है. यहां पर कोई काम करने का, काम करने का सही तरीका है. क्लियर. खाने का, रोने का, सोने का, बैठने का, उठने का, जागने का, बात करने का, कोई भी काम होगा उसका प्रॉपर तरीका, प्रॉपर वे या प्रॉपर मेथड, प्रॉपर मैनर, है ना. यहाँ पर आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, देखिए प्रॉपर वे, वे के प्लेस पर आप प्रॉपर मेथड का यूज कर सकते हैं, प्रॉपर मैनर का यूज कर सकते हैं, ठीक इस तरीके से यूज कर सकते हैं आप. लेकिन अभी प्रॉपर वे, अब जैसे मैं कहूँ हाँ इसके बाद में क्या करना है, करने का तरीका. तो आप देखिए कोई काम करने का तरीका है जनरली काम करना, जैसे यहाँ पर मैं कोई काम दे ले रहा हूं बात करना, ठीक है. बात करने का, बात करने का, ये मान लो जिस तरह से बातें हो रही, बात करने का. तो बात करने, एक्चुअली बात करना क्या है आपका, बात करना काम है ना. बात करना वर्ब है, ठीक है. यहां पर देखिए बात करने का सही तरीका है ये बात करने, तो यहां एक जीरंड के फॉर्म में यूज होगा. तो यानी कि द प्रॉपर वे, इसके बाद जो भी वर्ब रहेगी उसमें आई एन जी के साथ में उसको यूज करना है. क्लियर है. बस इस तरीके से यूज करना है. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी देखना है, अगर आप आई एन जी के साथ यूज नहीं करते ओनली फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो ये इन्फिनिटिव का केस बन जाता है. क्लियर है. जैसे ये बात करने का सही तरीका है, यह बात करने का सही तरीका है, तो दिस इज The proper way, this is the proper way to talk. अब आप बताओ आपको कौन सा ज्यादा बेस्ट लग रहा है, टू टॉक या टॉकिंग, टू टॉकिंग बताइए. This is the proper way to talk. Proper way to talk. अगर आप टॉकिंग का यूज करना चाह रहे हैं तो this is the proper way of talking. यहाँ पर देखिए अब जैसे प्रॉपर वे टू टॉक और प्रॉपर वे, अब यहाँ पर देखना है आपको, देखिए टू टॉकिंग नहीं है, ऑफ टॉकिंग का यूज कर सकते हैं. बाकी यहाँ पर बेस्ट है बी वन नहीं बल्कि टू प्लस बी वन लगाना, आई एन जी नहीं लगाना है, टू प्लस बी वन. दिस इज द प्रॉपर वे टू टॉक, ये आपका दिस इज द प्रॉपर वे टू ईट, दिस इज द प्रॉपर वे टू कुक, दिस इज द प्रॉपर वे टू स्टडी, दिस इज द प्रॉपर वे टू लर्न, दिस इज द प्रॉपर वे टू टीच, दिस इज द प्रॉपर वे टू रोटेट द फैन, है ना. इस तरह से आप यूज कर सकते हैं. तो प्रॉपर वे टू अब यहां पर लगा दो. जैसे मैं कहूं ये खाने का सही तरीका है तो क्या हो जाएगा, दिस इज द प्रॉपर वे टू ईट. क्लियर. ये अंग्रेजी सीखने का सही तरीका है, दिस इज द प्रॉपर वे टू लर्न इंग्लिश. क्लियर है. या अंग्रेजी बोलने का सही तरीका है, दिस इज द प्रॉपर वे टू स्पीक इंग्लिश. देखो इजी रहता है सेंटेंस, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट और एक सेंटेंस को अच्छे से कमांड करना. तो आप बोलेंगे, कोई जरूरी नहीं आप इंग्लिश टू इंग्लिश बोलो, आप ऐसे हिंदी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, यार देखो ये बैठने का तुम्हारा प्रॉपर वे नहीं है, है ना. ये रोने का प्रॉपर वे थोड़ी है, ऐसे नहीं रोया जाता है, ऐसे रोया जाता है, ठीक है. जैसे वहाँ पता नहीं कौन सी मूवी है, मैंने बहुत पहले देखी थी, वहां पर हर काम को ऐसा तरीका नहीं होता, अच्छा करके बताओ, सारा काम करवा लेता है. मतलब थोड़ा जो है बॉर्डर मूवी टाइप का है, अजय देवगन रहता है, कुछ ऐसा रहता है कि ये ऐसे ऐसे थोड़ी काटा जाता, अच्छा तो ऐसे काटा जाता, ऐसे काटा जाता है, पूरा कर देता है. क्लियर है. जैसे कोई जनरली ये होता है, भाई ऐसे काम नहीं किया जाता, तो कैसे किया जाता, ऐसे किया जाता, अच्छा करो फिर पूरा करवा लो, पता अच्छा, ठीक है.
तो दिस इज द प्रॉपर वे टू टग. इसका यूज वहां पर किया जाएगा जहां पर आपको इंस्ट्रक्शन देना हो, डायरेक्शन किसी को देना हो, किसी को गाइड करना हो. जैसे मैं कहूँ क्या सोने का सही तरीका है, अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या ये सोने का सही तरीका है, इज दिस द प्रॉपर वे टू स्लीप. ठीक है, ये है. अब मैं कुछ पूछूंगा आपको बताना है, बताओगे ना ये अभ्यास करने का सही तरीका है. दिस इज द प्रॉपर वे टू प्रैक्टिस, हाँ, या टू एक्सरसाइज. वैसे एक्सरसाइज के लिए व्यायाम रहेगा, यहाँ टू प्रैक्टिस बोलू. ये व्यायाम करने का सही तरीका है. दिस इज द प्रॉपर वे टू टेक एक्सरसाइज. अब यहां पर ध्यान देना, बड़ा गजब का होता है व्यायाम करना की इंग्लिश होती है टेक एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज नहीं होता है, टेक एक्सरसाइज होगा, है ना. जैसे एग्जाम देना की इंग्लिश दिमाग में आता है गिव एग्जामिनेशन, नहीं होती है. एग्जाम देना की इंग्लिश होती है टेक एग्जामिनेशन होता है, और एग्जाम लेना की इंग्लिश गिव एग्जामिनेशन होता है. कुछ उल्टा देखो अजीब लग रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे पच नहीं रहा है. एग्जाम देना की इंग्लिश गिव एग्जामिनेशन होना चाहिए, लेकिन टेक एग्जामिनेशन होता है, और एग्जाम लेना की इंग्लिश टेक एग्जामिनेशन होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, गिव एग्जाम. क्या करोगे, वो थोड़ा सा कुछ उल्टा चलता है ना. हाँ, सेम यहाँ व्यायाम करना की इंग्लिश टेक एक्सरसाइज होता है. चलो बैठ कर नहाना जो सही तरीका है तो क्या हो जाएगा, नहीं नहीं बैठ कर नहाना, सिटिंग इज द प्रॉपर वे ऑफ, नहीं ना ना ना, हैविंग अ बाथ बाय सिटिंग, हैविंग अ बाथ बाय सिटिंग या आफ्टर सिटिंग बोल दो, बैठने के बाद नहाना अच्छा तरीका है, तो इज द प्रॉपर वे. बस प्रॉपर हुई क्योंकि पहले मैंने कर दिया. चलो नेक्स्ट बताओ, शराब पीना मुसीबत से निकलने का सही तरीका नहीं है. शराब पीना मुसीबत से, अब देखो सबसे पहले एक सेंटेंस में लिख रहा हूं लॉन्ग वाला, शराब पीना मुसीबत से निकलने का सही तरीका है, नहीं है. शराब पीना मुसीबत से निकलने का सही तरीका नहीं है. अब बताओ इसकी इंग्लिश क्या, पीता तो नहीं है. हाँ, शराब पीना. अब सबसे पहले ये देखा करो बात किसके बारे में हो रही है, शराब पीने की बात. तो ड्रिंक, शराब पीना की इंग्लिश होती है ड्रिंक, लेकिन सॉरी ड्रिंक वर्ब है, जबरदस्ती सब्जेक्ट की तरह काम कराना है तो या तो जिरंड के फॉर्म में या तो इन्फिनिटिव. जिरंड मतलब आईएनजी लगाकर, इन्फिनिटिव मतलब टू लगाकर, तो क्या हो जाएगा ड्रिंकिंग. इसका मतलब हो गया शराब पीना सही तरीका नहीं है. इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ टू एस्केपिंग, प्रॉपर वे. अब देखो मुसीबत से निकलने का, जैसे अभी आपने कहा टू एस्केपिंग, एस्केप, एस्केपिंग और फ्रॉम फ्रॉम द मुसीबत, फ्रॉम वो नहीं एक वो होता है वो मींस मुसीबत होता है, याद रखना नया टर्म है. फ्रॉम डिफिकल्टीज बोल सकते हो, फ्रॉम वो बोल सकते हो, डब्ल्यू ओ ई, ये 12th में था है ना, पोएम में पढ़े होगे तुम लोग. सर स्किप रहेगा, एनजी नहीं रहेगा. हाँ स्किपिंग यूज कर सकते हो, या सबसे अच्छा है यहाँ पर आप गेट रीड ऑफ प्रेजल वर्ब यूज कर दो. गेट रीड ऑफ इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, ये प्रेजल वर्ब है, प्रेजल वर्ब से थोड़ा लगती है कि हाँ कुछ है. टू गेट रीड ऑफ, अरे सॉरी यार, ऑफ ये डिफिकल्टीज, क्लियर है, या ऑफ द वो ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक वो क्लियर है, समझ में आया. सफल होने के लिए दृढ़ता के साथ कड़ी मेहनत करना सही तरीका है, तो क्या हो जाएगा, सफल होने के लिए दृढ़ता के साथ कड़ी मेहनत करना सही तरीका है. तो बात तो हो रही है मेहनत करना, बढ़िया बात, तो वर्किंग हार्ड ये हो गया कड़ी मेहनत करना, नहीं समझे.
वर्किंग हार्ड विद होल डिटरमिनेशन, इसको मैं लिख रहा हूँ और इसलिए ध्यान देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड का मतलब कड़ी मेहनत करना, विद होल डिटरमिनेशन, विद होल डिटरमिनेशन, देखिए वर्किंग हार्ड विद होल डिटरमिनेशन इसका मतलब पूरे पूरे दृढ़ता के साथ में कठिन मेहनत करना, या जो है बहुत ज्यादा मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना सफल होने के लिए। तो यहाँ टू सक्सीड, सक्सेस नहीं, सक्सेस वो आपका नाउन हो जाएगा, तो यहाँ सफलता पाने के लिए टू सक्सीड मीन सफल होने के लिए कड़ी, ये जो है सही तरीका है, तो इज द प्रॉपर वे, इज द प्रॉपर वे, क्लियर है, ये चीज हो गया आपका। जैसे मैं कहूं क्या है सोने का सही तरीका है, तो इज दिस प्रॉपर, इज दिस आ, या इज दिस द प्रॉपर वे टू स्लीप, ये चीज आपका हो गया, समझ में आया। वैसे भी याद रखो द प्रॉपर वे एक ये ऐसा शब्द है, जैसे मान लो आपको कुछ बोलना नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में यूज करो ना, क्या ये कैसेट को उठाने का प्रॉपर मेथड है, है ना, इस तरह से कई सारा आप ऐसे हिंदी में यूज करो ना, भाई देखो ये जो मैं ऐसे खाना खा रहा हूं क्या ये मेरे खाने का प्रॉपर वे है, प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर मैनर है, प्रॉपर मेथड वे पाथ, थोड़ा अकवर्ड लगेगा, प्रॉपर वे ही यूज करो, सही तरीका तो प्रॉपर वे, भाई ये जो तुम जैसे काम करो ना ये प्रॉपर वे नहीं है, इसको चेंज करो, तो प्रॉपर वे वैसे भी यूज किया जाता है, वैसे भी लोग कहते हैं भाई देखो काम करना है तो प्रॉपरली सही तरीके से करना, अदरवाइज मत करना, प्रॉपरली मतलब उचित रूप से, प्रॉपर मीन्स होता है सुटेबल, ठीक है, एक सही तरीके से, तो वही द प्रॉपर वे का मतलब सही तरीके से, है ना, सही आदमी कहता है ना बकायदे से, वो संस्कृत।